किशन जी कहते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं जिसमें पहले से ही प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाए। पिछली बार जो हार देखने को मिला था वो काफी बड़ा था, गैप बहुत ज्यादा था, तो काजल निषाद ऐसा क्या करेंगी कि वो जो गैप है ना सिर्फ कम होगा बल्कि विजयी भी बनेंगी। बाबा जी के जेब में पड़े रहने वाले नेता बाबा जी को पसंद है, इसीलिए कठपुतली है रवि किशन। बिल्कुल कठपुतली है रवि किशन जी। पिछली बार भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब भी आपने कहा था कि बयार बहुत तगड़ी है लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा था, तो मात्र 3,62,000 ही वोट तो पड़े थे, तो कैसे 4,00,000 और 4.5 लाख वोट की गिनती हो गई? कैसे 400 पार लेटर, जितना लव लेटर लिखनी होता है ना उतना यहाँ पेपर लीक हो जाता है बाबा जी की सरकार। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये कहा जाता है कि ये योगी जी का गढ़ है, तो मैम कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। क्या लग रहा है इस बार हवा है? बहुत अच्छी हवा है, समाजवादी की ही तो हवा है, गठबंधन की ही तो हवा है, बाकी तो हवा हवा ही उड़ गए हैं इस आंधी में, इस हवा में बाकी सब लोग उड़ गए हैं। हमारी ही हवा चल रही है। किशन जी कहते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। देखिए इस तरह के अश्लील बातें वही कर सकते हैं क्योंकि जो अश्लील गानों पर डांस कर सकते हैं और महिलाओं के साथ अश्लीलता कर सकते हैं वही ऐसी बातें कर सकते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि इस तरह से बोलना। उनका काम वो दिखाए ना, उन्होंने अपना काम तो दिखाया नहीं है। सांसद जी 5 साल में कभी चेहरा नहीं दिखाया किसी को। मैं तो ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम करती हूँ, हमेशा ही हर एक गाँव में जाके पूछती हूँ। मेरे पैर में चोट है, फ्रैक्चर है, लगातार मैं लाठी से चल रही हूँ, फिर भी मैं पूछने का काम कर रही हूँ लोगों को। सब कहते हैं हमने देखा ही नहीं है कौन सांसद है, कभी आते ही नहीं है सुख दुख में, कभी ताके झाके ही नहीं है। तो यहाँ सब लोग चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने क्योंकि हर तबका परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिलाएं हो, मजदूर हो, मुस्लिम हो, चाहे जवान हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, हर कोई यहाँ परेशान है। छात्र परेशान है, पेपर लीक हो जाला। उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं जिसमें पहले से ही प्रश्नों के उत्तर बोल दिया जाए और बता दिए जाए और लीक हो जाए, उसे ही उत्तर प्रदेश कहते हैं। पिछली बार हर कोई परेशान। पिछली बार जो हार देखने को मिला था वो काफी बड़ा था, गैप बहुत ज्यादा था, तो काजल निषाद ऐसा क्या करेंगी कि वो जो गैप है ना सिर्फ कम होगा बल्कि विजयी भी बनेंगी? बिल्कुल विजय बनेगा क्योंकि काजल निषाद जमीनी हकीकत दिखाने का काम करती है। मेरा चाहे दोनों पैर घायल हो जाए तभी भी मैं चलती हूँ, मैं व्हील चेयर से चली हूँ जनता के बीच में। ये जनता देख रही है, जनता ये देख रही है कि कोई ऐसा है प्रत्याशी जो लगातार जमीन पर चल रहा है, लगातार मुद्दों को उठा रहा है, लगातार जनता की आवाज़ को उठा रहा है। और सभी को पता है कि मैं समाज सेवी हूँ, सभी को पता है कि मैं यहाँ की बहू, टीवी में बहुरिया बनते हैं ना, टीवी में ने लुग्गा साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं सांसद जी, हम तो यहाँ की बहुरिया है भाई, लोगों को अच्छी तरह से पता है। दूसरी बात यह है कि लोग इस बार बाहरी को भगाना चाह रहे हैं और लोकल को ही यहाँ जिताना चाह रहे हैं, और मैं लोकल हूँ और सांसद जी बाहरी है। पर रवि किशन जी का ये कहना है कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि भाजपा उन पर दोबारा भरोसा जता रही है, आप उनका दो काम बताएं मुझे। अरे वो कह रहे हैं सड़क बनवा दिया हमने, राशन दे दिया, ये दे दिया, वो दिया। रवि किशन जी का दो काम बताए, रवि किशन जी के नाम का पत्थर मुझे दिखा हुआ बताया, लिखा हुआ नहीं लगा है। बाबा जी अपने पत्थर लगवाते हैं, रवि किशन जी तो जेब में पड़े रहते हैं। बाबा जी के जेब में पड़े रहने वाले नेता बाबा जी को पसंद है, इसीलिए कठपुतली है रवि किशन। बिल्कुल कठपुतली है रवि किशन जी। ब्राह्मणों का सम्मान बाबा जी नहीं करते हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण नेता नहीं है क्या भैया? गोरखपुर में ब्राह्मण नेता नहीं है क्या जो लड़ाई लड़ते हैं, जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, दमदारी से आवाज़ उठाते हैं? तो योगी जी बाहरी ब्राह्मण को लाएंगे और वो भी वैसे ब्राह्मण जो पहले मात्र रवि किशन लिखते थे, लेकिन नेता बनने के बाद उन्होंने रवि किशन शुक्ला लिखना शुरू किया। आप भी देख लीजिए हर जो है बड़े बड़े मूवी में पहले रवि किशन लिखा हुआ आता था, लेकिन अब उन्होंने रवि किशन शुक्ला लिखा। शुक्ला लिखने के बाद भी ब्राह्मणों की लड़ाई तो लड़ते नहीं है, तिवारी हाथे पर जाके ईडी का छापा मरवाते हैं और शुक्ला जी वहाँ नहीं पहुँचते हैं। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, आए दिन योगी जी एनकाउंटर खेलते हैं ब्राह्मणों के साथ, वहाँ ये शुक्ला जी नहीं जाते हैं। शुक्ल जी क्या करेंगे, जेब में पड़े रहेंगे, चूँ चा तो करते नहीं है।
ऐसे नेता योगी जी को चाहिए। गोरखपुर लोकसभा सीट पे भाजपा की बयार नहीं है आपके? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये गढ़ है भाजपा का, लोग कहते हैं उससे कोई फर्क, मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ से। जी जी, उससे कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि कब तक आप अत्याचार सहोगे, कब तक आप यहाँ पे शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हो, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो, आप आरक्षण पे बात नहीं करते हो, महिला सुरक्षा पे आप बात नहीं करते हो। मैं रोज़ का पेपर पढ़ती हूँ, रोज़ का पेपर पढ़ती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की तो छोड़ दीजिए, गोरखपुर में लिखा हुआ आता है, गोरखपुर बेटी का अपहरण हुआ, गोरखपुर महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, गोरखपुर महिला के साथ रेप हुआ, ये गोरखपुर की घटनाएँ हैं। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो कहते थे बेटी बचाओ, ये क्या कहते थे कि भाजपा के राज में बेटी बचाओ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ, ये क्या चेतावनी थी, क्या था ये? तो जनता अच्छी तरह से समझ रही है, जनता परिवर्तन करना चाह रही है, इसलिए जुड़ रहा है इंडिया और जीत रहा है इंडिया। पिछली बार भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तब भी आपने कहा था कि बयार बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार कैसे देखती हैं? नहीं, तभी भी बयार थी। ये भारतीय जनता पार्टी की चोर सरकार जो है वो लाइट बंद करके धांधली करने का काम करती है, तभी भी मैं जीती हुई थी। आपको भी पता होगा कि मात्र 3,62,000 ही वोट तो पड़े थे, तो कैसे 4,45,000 वोट की गिनती हो गई, कैसे 4,62,000 की गिनती हो गई, कहाँ से आया 1,00,000 वोट, कैसे ये लोग उत्पन्न कर देते हैं? वोट पड़ा ही नहीं और इन्होंने गिनवा दिया, ये धांधली नहीं है बाबा जी गढ़ में? शर्म आनी चाहिए भारतीय तो जनता, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। जनता जागरूक है, पूरी तरह से जनता जागरूक है। आपने देखा होगा जगह जगह पर लिखा हुआ है, भाजपा नेताओं का आना वर्जित है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, लाठी और डंडों के साथ जनता खड़ी है कि यहाँ भाजपा नेता नहीं आ सकते। कितना कोई अत्याचार सहेगा भाई? आखिर तो हिटलर को भी हटना पड़ा था, तो ये हिटलर वाली सरकार जा रही है। लेकिन लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है अब की बार 400 पार, 400 पार लहसुन, 400 पार टमाटर, 400 पार तेल, 400 पर सब्जी, 400 पर आटा, ये कह रहे बेचारे, आप समझ नहीं पा रही हैं। वो वोट की बात नहीं कह रहे, नहीं, वो महंगाई की बात कर रहे हैं। जी अच्छा मैडम, ये बता दीजिए कि मुद्दे क्या हैं इस बार आपके, आप किन मुद्दों पे लड़ेंगी, आपको गोरखपुर में मुख्य समस्याएं क्या दिख रही हैं जिस पे आप चाहती हैं कि इस पे काम होना चाहिए? देखिए, गोरखपुर की क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत की समस्या है बेरोजगारी, जो भारतीय जनता पार्टी इस पर काम नहीं करती। अगर गोरखपुर की ही बात करें, किसी को भी 10 साल की केंद्र की सरकार में और 7 साल की बाबा जी की सरकार में किसी को सरकारी नौकरी मिली ही नहीं है, रोजगार सही से इनको मिला ही नहीं है। या गोरखपुर की क्या, उत्तर प्रदेश की समस्या ये है कि पेपर लीक हो जा रहा है यहाँ पे, जितना लव लेटर लीक नहीं होता है ना, उतना यहाँ पेपर लीक हो जाता है बाबा जी की सरकार। परेशानी है लोगों को, विद्यार्थी पढ़ते हैं, बच्चे कर रहे हैं भाई, कितने अपने डिग्री जला दे रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? आने वाला भविष्य, उज्जवल भविष्य जो बच्चों का होता है, आने वाला भविष्य ये एक युवा, और युवा यहाँ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है? यहाँ पे किसान कर रहे हैं, यहाँ अपनी डिग्रियां जला दे रहे हैं, जो कई कई दिन दिन रात तक पढ़े होंगे, माता पिता नून रोटी खिलाकर इनको पढ़ाए होंगे। बहुत सारी समस्या है बाबा जी के राज में, बहुत सारी समस्या है। पहले तो ये गोरखपुर जो इन्होंने कहा था कि हम स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे, इनकी नालियां अभी भी लबालब है, जैसे मैं दिखाती थी नालियां लबालब, जानवर भी अभी अभी ना अभी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, यही सड़कों पर दिख जाएंगे, इनको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी समस्या है, महंगाई से औरतें परेशान है, सबसे ज्यादा तो महंगाई से परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अमीरों को अमीर बना रहे हैं और गरीबों को गरीब बना रहे हैं। देखिए, 95% जनता को यहाँ साजिश चल रही है गरीब बनाने की। आपने देखा होगा 500 करोड़ वैक्सीन के कंपनी से लिया गया और सबको वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर किया गया। पता है वो कैसे दिन थे? ट्रेन में चढ़ने के लिए वैक्सीन लगाओ, फ्लाइट में जाने के लिए वैक्सीन लगाओ, चलिए मॉल में जाना है तो वैक्सीन लगाओ, नहीं लगाया आपने, बताइए, स्कूल में बच्चा बैठा तो वैक्सीन लगा के बैठे, इतना मजबूर कर दिया था जनता को। और आज पता चल रहा है कि बताइए 500 करोड़ वैक्सीन कंपनियों से ये लेते हैं और इस तरह से ये धांधलियां करते हैं। इतना इतना फंड इनका ऑडिट होता है, कभी ये ऑडिट करवाते हैं कि हमारा इतना फंड है, पीएम केयर फंड में कितना आया था, कभी ऑडिट करवाते हैं कि हमने सार्वजनिक करते हैं जनता से? काला धन कहाँ गया? क्यों लाइन लगवाई थी, क्यों नोटें बदलवाई थी कि काला धन वापस आएगा? इस पर चू और चाह नहीं करते हैं। आखिरी सवाल, अगर आप सांसद बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे गोरखपुर के लिए? जनता की सेवा, जनता की सेवा और जनता की सेवा। मैं समाज सेवी हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए आई हूँ, बस जनता की सेवा करूंगी 5 साल, जो भी इनकी समस्या होगी उनका समाधान करूंगी।
चलिए मैम के पैर में चोट है तब भी ये जनसभाएं कर रही हैं, आपका आप विजयी हों ऐसी कामना है हमारी।